हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश भर में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लगातार जारी है। गुरुवार को बाड़मेर एसीबी की टीम ने जिला मुख्यालय पर कार्रवाई करते हुए जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीना और दलाल प्रकाश चंद्र जैन को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीना ने दलाल राशन डीलर प्रकाश चंद्र जैन के मार्फत बोतिया राशन डीलर हरखा राम से उचित मूल्य की दुकान का स्थान परिवर्तन करने की अवज में रिश्वत के रूप में 4,000 रुपयों की मांग की थी। बोतिया राशन डीलर ने इसकी शिकायत बाड़मेर एसीबी कार्यालय में की थी। गुरुवार को बाड़मेर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा के निर्देशन में एसीबी निरीक्षक मुकंदान समेत टीम ने दलाल प्रकाश चंद्र जैन और जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीना को ट्रेप कर लिया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा ने बताया कि परिवादी राशन डीलर की शिकायत के बाद एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया। सुंडा के अनुसार परिवादी के हाथों दलाल प्रकाश चंद्र जैन को रिश्वत के 4,000 रुपए दिलवाए और पहले दलाल प्रकाश चंद्र जैन और उसके बाद जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीना को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद ट्रैप हुए प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीना के आवास पर दबिश दी, जहां एसीबी ने उसकी संपत्ति और अन्य कागजात भी खंगाले। फिलहाल एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।